नया प्रकरण पूरे देश ने देखा है। हिंडनबर्ग की एक दूसरी रिपोर्ट आई और जैसे ही सरकार को पता चला कि रिपोर्ट आ रही है, कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है, तो उन्होंने पार्लियामेंट को 3 दिन पहले स्थगित करके, तमाम बिल पेंडिंग थे, एजेंडा बना हुआ था संसद का, दोनों हाउसेस का, उस सब को साइड में रख के और अपने परम मित्र अडानी को बचाने के चक्कर में कि संसद में इसके ऊपर हंगामा होगा, बवाल होगा, आपने संसद को ही पहले बंद कर दिया। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ये राजनीति का विषय नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा, सब चीज़ों से जुड़ा हुआ विषय। अब सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है और देश के उपराष्ट्रपति वहाँ कह रहे हैं कि हम जो हैं वो इस तरह के हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात करके और हम डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को। उपराष्ट्रपति हों चाहे स्पीकर हों, वो भी पूरी तरह से इस मामले के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। हम तो उनसे पूछना चाहते हैं कि भाई अगर हम डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी चल रही है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट भी फिर इस तरह की राजनीति कर रहा है क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट भी डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है क्या? मुझे लगता है कि ये सब केवल और केवल अपने मित्र को बचाने के लिए काम किए गए हैं। जब भी सवाल मीडिया में पूछा जाता है, अडानी कोई जवाब नहीं देते, वित्त मंत्रालय कोई जवाब नहीं देते, सेबी ऑफिशियली कोई जवाब नहीं देती, एक छोटा सा पत्र आता है तो उसमें नीचे सेबी का कौन अधिकारी है, किसकी स्टेटमेंट है, ये भी नहीं पता होता है। हाँ, वो हस्बैंड वाइफ ज़रूर देते हैं, माधवी बुच जिनका नाम है, जिनके ऊपर आज हमने बात की आपसे, वित्त मंत्रालय बात नहीं करता, और जो ईडी है वो शायद भजन वजन कीर्तन वीर्तन करने चला जाता है मंदिर में गुरुद्वारे में। जब सीधा सीधा पता है कि साइफन ऑफ मनी है और तमाम ऐसी कंपनियों में पैसा लगा है सेबी चीफ का, माधवी भुज का, जो कंपनियां स्वयं जांच के दायरे में, और वही माधवी भुज के बारे में भी थोड़ा सा बता देना चाहूँगा, वो कभी उनका कोई गवर्नमेंट सर्विस का कोई रिकॉर्ड नहीं, वो किसी बैंक की, पब्लिक सेक्टर बैंक की, किसी पब्लिक सेक्टर बैंक की चेयरमैन नहीं रही, कहीं पर कुछ नहीं रही, कहीं वो भी पता चला कि वो भी अडानी गैंग से निकल के आई है। माधवी भुज भी अडानी गैंग से आई और जो इनके भाई हैं विनोद अडानी, उनकी कंपनी में उनके इन्वेस्टमेंट्स, जो अडानी पूरा प्रश्न चिन्ह के अंदर है, उन्हीं की कंपनियों में इनके इन्वेस्टमेंट्स, और सुप्रीम कोर्ट को भी वो पूरी तरह से तमाम तथ्यों को छुपाती, वो 3 करोड़ रुपया वहाँ से कंसल्टेंसी का भी तमाम कंपनियों से लेती रहती हैं, जबकि सेबी का कोई भी पदाधिकारी किसी भी रूप में किसी भी कंपनी से किसी तरह का आर्थिक लाभ नहीं ले सकता। अब एक नया खुलासा हुआ कि साहब इन्होंने तो अडानी की कंपनियों में ही मोटा पैसा लगाया हुआ है, इन्होंने, इनके हस्बैंड ने, और सुप्रीम कोर्ट से बात छुपाई गई। ये बहुत बड़ा एक क्राइम है। अगर आज कोई और देश होता तो इनके ऊपर FIR करके इनको जेल में डाल दिया जाता, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अगर उनको जेल में डालेंगे आप, उनके ऊपर FIR करेंगे, तो अडानी को दिक्कत हो, और अडानी को दिक्कत होगी तो मोदी जी को दिक्कत हो, इसलिए उनके ऊपर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो रही। जहां जो जांच 2 महीने में पूरी होनी थी वो 18 महीने खींच दी इन्होंने, क्योंकि धीरे 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 टाइम खेलिंग का एक फॉर्मूला है, कोई भी जांच अगर है तो उसको इतना लंबा खींच दो, 40-50-60 हज़ार पेज की रिपोर्ट बना दो, जज भी बेचारा पढ़ता पढ़ता उसका भी रिटायरमेंट का टाइम सामने आ जाए।